सियाज बेस टोयोटा वेटा रिवील्ड। अरे वाह, ये गाड़ी आ भी गई। चलिए इस गाड़ी के बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं और देखते हैं इस गाड़ी में क्या क्या नई चीज आई है। तो वैसे ये सियाज ही, तो चलो यूट्यूब पे देखते हैं कहां ये गाड़ी लॉन्च हुई है। जैसे ही माल ढूंढते हैं, ये सारी वीडियो तो फेक है भाई। ये मिला, अरे यार इस वीडियो में नहीं पता कहां पर लॉन्च हुई है गाड़ी। अरे बेवकूफ, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके देख लेना। अरे मोटर सिंह थैंक्स भाई। देख रहे हो दोस्तों, हमारा मोटर सिंह कितना स्मार्ट हो गया है। जब से इसने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया। अगर आप भी इसकी तरह स्मार्ट होना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसलिए मैं इसके अबाउट वाले सेक्शन पे चला गया और मुझे पता चला है ये जो कंट्री है वो इजिप्ट है। तो इजिप्ट में नई वाली टोयोटा बेल्टा आ चुकी है, जो की एक नई सेडान है, जो की यार वहाँ के लोगों को ऐसी नई नहीं लग रही होगी, लेकिन हमें पता है कि ये कौन सी गाड़ी है। फिर मैंने सोचा इसका नाम टोयोटा बेल्टा ही क्यों रखा है, कुछ अलग सा नाम भी रख सकते थे, क्योंकि जापान में यारिस का नाम है बेल्टा, और बेल्टा नाम का मतलब होता है कि बेला और जेंटल वर्ड से निकला है इसका मीनिंग, जिसका मतलब है ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब ये दो तीन शब्द मिला के ये बेल्टा बन गया। तो भाई मैंने भी इनकी गाड़ियों के लिए एक नाम रखा है, अंसार, जो कि मैंने बनाया है अनसेफ और कार से। अंसार भाई, अगर आपको ऐसा दिमाग चाहिए मेरी तरह वाला तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आपको सिर्फ एक सेकंड जाएगा सब्सक्राइब करने के लिए, इससे हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी हो जाएगी। आप लोगों को लगता है कि इन दोनों गाड़ियों में कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन दोनों गाड़ियों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसके लिए मैंने इसकी पूरी लिस्ट बनाई है, ये देखो लिस्ट, जिसमें आप दोनों कार्स को सामने देखें तो डिफरेंस मिलता है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जिसमें टोयोटा बेल्टा है उसमें आपको टोयोटा का लोगो मिलता है, और सियाज में आपको मारुति सुजुकी का लोगो मिलता है। मुझे पता है आपको ये चीज पहले से पता होगी। और इसके अलावा आपको सामने कुछ डिफरेंस नहीं मिलता है, बम्पर भी सेम है, फॉग लैंप भी सेम है, ग्रिल भी सेम है, और सब कुछ सेम है। और यहाँ तक जो टोयोटा का लोगो है ये भी मारुति फैक्ट्री में ही लग के आता है। लेकिन बेल्टा में आपको एक छोटा सा डिफरेंस मिलता है कि इसमें आपको अलॉयज थोड़े चेन मिल जाते हैं, और बाकी जो वेरिएंट है उसमें आपको सेम दरवाजे मिलते हैं, सेम विंडो लाइन मिलती है, और आपको सेम बॉडी शेप भी मिलता है। और बैक साइड में तो इस गाड़ी में आपको और बड़ा डिफरेंस मिलता है, बताऊं क्या? चलो बता देता हूं। जिसमें आप गौर से देखेंगे कि सियाज में आपको सियाज की बैजिंग मिलती है और बेल्टा में आपको बेल्टा की बैजिंग मिलती है। इसके एक्सटीरियर में बस ऐसे ही डिफरेंस है इस गाड़ी में, बस और कुछ नहीं है। भाई इसी बात पे मैं आपको एक जोक सुनाता हूं। अरे यार मोटर सिंह, अभी मेरे पास टाइम नहीं है भाई, प्लीज यार एक बार। अच्छा चलो आप बताओ, मारुति की जो कार्स होती है उसमें आपको छोटा पार्ट कौन सा मिलता है? उसके वायर्स नहीं, जो उसके अंदर ओनर्स बैठे हैं ना, उनका दिमाग। भाई ये तो रोस्ट हो गया मारुति के ओनर्स के लिए। और बाकी जो दोनों गाड़ियों का इंटीरियर है, बस उसमें एक छोटा डिफरेंस है कि आपको बेल्टा में लेफ्ट साइड स्टीयरिंग मिलता है और सियाज में राइट साइड स्टीयरिंग मिलता है। और जो बेल्टा है उसमें स्टीयरिंग पे इस पे टोयोटा का लोगो मिलता है, और सियाज में आपको सुजुकी का लोगो मिलता है। इनके बॉडी पार्ट्स में, इनके सीट्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एक रत्ती भर का डिफरेंस नहीं है भाई। भाई ऐसा नहीं है कि इजिप्ट में ये गाड़ी बहुत ही सस्ती है, ऐसा नहीं है। कि जब मैंने कन्वर्ट करा इस गाड़ी का प्राइस इजिप्ट के पाउंड से और यहाँ के INR से, तो इस गाड़ी के बेस वेरिएंट का प्राइस है 11 लाख रुपए, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। और जो टॉप मॉडल का प्राइस है वो है 13 लाख रुपए। और ये भी कंफर्म नहीं है कि इजिप्ट में ऐसा कोई एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह लगता है, तो इसलिए ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा महंगी है इजिप्ट में। इंडिया में तब भी सस्ती है ये गाड़ी, और अभी ये भी कम नहीं है। मारुति सुजुकी की जो अर्टिगा है वो भी चुरा ली टोयोटा वाले ने, तो जिसका नाम रूमियन रखा है टोयोटा वालों ने, वो भी लॉन्च किया है किसी और कंट्री में। भाई ये बेल्टा और रूमियन कुछ ही टाइम में आने वाली है आप लोग के सामने इंडिया में, तो आप इसके लिए वेट करें। और भाई बाकी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऐसी और कोई धांसू वीडियो चाहिए।